Image Manipulation Using Arrays पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे अरेज में इमेजेस रीड करना, सामान्य अरे मैनिपुलेशंस का उपयोग करके उनमें प्रक्रमण क्रियान्वित करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux 16.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, Python 3.4.3 और IPython 5.1.0। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको IPython कंसोल पर बुनियादी Python कमांड्स रन करने और अरेज के भागों को एक्सेस करने का ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर संबंधित Python ट्यूटोरियल देखें। कृपया इस ट्यूटोरियल के कोड फाइल्स लिंक से squares.png और python.png फाइल्स डाउनलोड करें। फाइल्स को वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करें। पहले हम सीखेंगे कि एक अरे के भागों को एक्सेस कैसे करें। इस उद्देश्य के लिए हम वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी में मौजूद squares.png इमेज का उपयोग करेंगे। IPython शुरू करें, टर्मिनल खोलें, IPython 3 टाइप करें और एंटर दबाएं। यहां से ध्यान रखें कि टर्मिनल पर प्रत्येक कमांड टाइप करने के बाद एंटर की दबानी है। अरे में इमेज को रीड करने के लिए हम imread कमांड का उपयोग करते हैं। अब अरे img में squares.png में डेटा रीड करें। टाइप करें import matplotlib.pyplot as plt, फिर टाइप करें img is equal to plt.imread ब्रैकेट्स में सिंगल कोट्स में squares.png। पहली लाइन में pyplot को उपनाम के रूप में plt के साथ matplotlib मॉड्यूल से लिया गया है। यह imread जैसे मेथड्स का उपयोग करने के लिए है जो pyplot के भाग हैं। हम फंक्शन imshow के बाद show का उपयोग करके इमेज देख सकते हैं। टाइप करें plt.imshow ब्रैकेट्स में img, फिर टाइप करें plt.show ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स। यह इमेज को अलग पॉपअप विंडो में दर्शाता है। मूल इमेज वर्णहीन में थी, लेकिन यहां हम वर्णहीन नहीं देख रहे हैं क्योंकि imshow ने वर्णहीन को भिन्न रंगों में मैप्ड किया है। इसे भिन्न कलर मैप का उपयोग करके बदला जा सकता है। IPython कंसोल पर वापस आने के लिए इमेज विंडो बंद करें। मूल वर्णहीन इमेज को देखने के लिए टाइप करें plt.imshow ब्रैकेट्स में img कॉमा cmap इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ग्रे, फिर टाइप करें plt.show ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स। अब हम वर्णहीन इमेज देख सकते हैं। अब इमेज बंद करें। img वेरिएबल में क्या रीड हुआ ये देखने के लिए टाइप करें img। हम देख सकते हैं कि एक अरे प्रदर्शित होता है। किसी भी अरे का डायमेंशंस जांचने के लिए हम शेप फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। टाइप करें img.shape। जैसे कि हम देख सकते हैं हमें इमेज का डायमेंशन प्राप्त हुआ है। इमेज squares.png का डायमेंशन 300x300 है। अब हम इमेज का ऊपरी बायां चतुर्थ भाग प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अरे के रोज का ऊपरी आधा और कॉलम्स का बायां आधा एक्सेस करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि इमेज का आकार 300x300 है। इमेज के ऊपरी बाएं कोने के लिए हमें पहली 150 रोज और पहले 150 कॉलम्स चाहिए। अतः टाइप करें img स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलन 150 कॉमा कॉलन 150। ये हमें इमेज का ऊपरी बायां कोना देता है। हम एक इमेज के रूप में प्राप्त टुकड़े को देखने के लिए imshow कमांड का उपयोग करेंगे। दिखाए गए अनुसार टाइप करें। हमें अब अपेक्षित टुकड़ा प्राप्त हुआ। इस इमेज को बंद करें, वीडियो रोकें, इसका अभ्यास करें और फिर वीडियो को पुनः चलाएं।
150 by 150 आकार के साथ इमेज squares.png के केंद्र में एक स्क्वायर प्राप्त करें। चूंकि हमें इमेज का केंद्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम रोज का 1/4 से 3/4 रोज अर्थात 75 से 225 तक और कॉलम्स का 1/4 से 3/4 तक के कॉलम अर्थात 75 से 225 तक लेते हैं। हल के लिए टर्मिनल पर जाएं, दिखाए गए अनुसार टाइप करें। अतः हमें इमेज का केंद्र मिल गया है। इस इमेज को बंद करें। आप नए वेरिएबल में कटी इमेज ऐरे को भी सेव कर सकते हैं। टाइप करें img1 is equal to img square brackets में 75 colon 225 comma 75 colon 225। फिर इमेज को देखने के लिए दिखाए गए अनुसार टाइप करें। इस इमेज विंडो को बंद करें। हम ये भी जानते हैं कि ऐरे पर स्ट्राइड कैसे करना है। उसके लिए हम इमेज के बाहर वैकल्पिक रोज और कॉलम्स ड्रॉप कर सकते हैं। टाइप करें img स्क्वायर ब्रैकेट्स में colon colon 2 comma colon colon 2। इस इमेज को देखने के लिए दिखाए गए अनुसार टाइप करें। हम देख सकते हैं कि स्केल कम हुआ है। हम एजेस के नजदीक कुछ ब्लरिंग देख सकते हैं यदि आप इसे और कम करते हैं। IPython कंसोल पर वापस आने के लिए इमेज विंडो को बंद करें। स्टेप 4 तक बढ़ाने के लिए दिखाए गए अनुसार टाइप करें। IPython कंसोल पर वापस आने के लिए इमेज विंडो बंद करें। हम वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी में मौजूद python.png का उपयोग करेंगे। अब हमारे पास एक RGB इमेज है। इमेज के टुकड़े करें और देखें क्या होता है। दिखाए गए अनुसार टाइप करें। हम इमेज देख सकते हैं। IPython कंसोल पर वापस आने के लिए इमेज विंडो बंद करें। img का डायमेंशन जांचने के लिए हम शेप फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। टाइप करें img.shape। तीसरी संख्या दर्शाती है कि यहाँ 4 चैनल्स हैं। ये लाल, हरे, नीले और इमेज की पारदर्शिता वैल्यू के अनुरूप हैं। पहली संख्या दर्शाती है कि इमेज की ऊंचाई 600 है। दूसरी संख्या दर्शाती है कि इमेज की चौड़ाई भी 600 है। अब हम ऐरे के लाल चैनल को काटेंगे। टाइप करें plt.imshow ब्रैकेट्स में img स्क्वायर ब्रैकेट्स में colon comma colon comma 0। फिर टाइप करें plt.show ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स। हमें ऐरे का अपेक्षित लाल चैनल प्राप्त हुआ। इमेज बंद करें। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एरेस में इमेजेस रीड करना और उन्हें मैनिपुलेट करना। यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं। वेरिएबल img का आकार 600, 600, 4 है। img1 का आकार क्या होगा यदि img1 is equal to img ब्रैकेट्स में colon colon 2 comma colon colon 4। उत्तर है 300, 150, 4। कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें। कृपया पाइथन से संबंधित अपने सामान्य प्रश्नों को इस फोरम पर पोस्ट करें। फॉसी टीम टीबीसी परियोजना का समन्वय करती है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT MHRD भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।